हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉइज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लम्बिंग के बारे में। प्लम्बिंग में जो PEX फिटिंग्स होती हैं वो किस तरह से की जाती हैं और उनमें कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और कहां कहां पर वो फिटिंग्स घर में की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सामने ये आप देख रहे हैं, ये हमारी टी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पाइपें आ रही हैं, ये ऊपर से आ रही है। अब ये आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स, दीवार में ये पाइप किस चीज़ की लगाई हुई है। तो मैं आपको फ्रेंड बता दूं, ये हमारी एसी की ड्रेन पाइप है, मतलब जो एसी में से पानी निकलता है, जो पानी उसमें से रिसता रहता है, उसके लिए ये पाइप बनाई गई है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगाई गई है। इसका मुंह को जो है वो टेप से कवर कर दिया गया है और फिर इसके ऊपर प्लास्टर कर दिया जाएगा। इसे हुक से इस तरह से यहाँ पर बैठा दिया गया है ताकि ये आगे को ना निकले। और यहाँ से फ्रेंड्स इस पर जो है ये एल्बो लगाकर बैंड प्रोवाइड किया गया है और फिर ऐसे यहाँ पे इस मेन पाइप से मिला दिया गया है जो कि यहाँ पे आगे को जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो पीछे की पाइप है, ये जो हमारे उस तरफ के कमरे के एसी हैं उसमें से आ रही है और यहाँ पे इसका जॉइंट है। तो यहाँ पे हमने टी प्रोवाइड किया है। टी प्रोवाइड करने से फ्रेंड क्या होता है कि ये जो हमारी तीनों तरफ से जो है इसमें कनेक्शन हो जाता है, एक इधर से और एक इधर से, दो साइड इसमें इनलेट हो गई और यहाँ से ये आउटलेट हो गई। और फिर यहाँ पे फ्रेंड्स हमने दोबारा टी प्रोवाइड की हुई है। आप देख सकते हैं, यहाँ से भी इनलेट, यहाँ से भी इनलेट, फिर यहाँ से आउटलेट, मतलब आगे को निकल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम आपको उधर से दिखाएं, जो कि हमने बताया कि आपको पीछे से आ रही है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो इस कमरे में एसी लगे हुए हैं, ये फ्रेंड्स उसकी पाइप है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो दूसरी दीवार के ऊपर एसी है, ये उसकी पाइप है। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स PEX फिटिंग्स की जाती है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एल्बो प्रोवाइड की हुई है, इसे एल्बो कहा जाता है और जो मैंने आपको पहले बताया उसे टी कहा जाता है। तो अब मैं फ्रेंड्स आपको और कई फिटिंग्स दिखाता हूँ जो PEX की फिटिंग है। तो फ्रेंड्स आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये जो है टी प्रोवाइड की हुई है और बाकी की जो लाइन है वो आगे गई हुई है। तो ये यहाँ से इनकी इसकी जो है इनलेट होगी, वहाँ पर जो भी हमने कुछ भी सिंक वगैरह बनाना है या कुछ भी बनना है तो उसकी इनलेट यहाँ पे है ताकि वो पानी ड्रेन आउट हो। और यहाँ से जो है ये फ्रेंड्स सीधा ये जाते हुए आगे को, और ये जा रही है हमारी बाथरूम की तरफ। अब मैं आपको उधर से दिखाता हूँ कि ये बाथरूम की तरफ कैसे जा रही है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो है ग्राउंड में होते हुए बाथरूम की तरफ जा रही है। इनको एक बार फिट करने के बाद ये हमारा बाथरूम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आके ये पाइप्स ख़त्म हो रही हैं। तो फ्रेंड्स किया क्या जाता है, आखिर इनको एक बार फिट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इनके ऊपर जो है वो बजरी वगैरह डाल दी जाएगी। एक तरह से जो है वो M10 का या M7.5 का कंक्रीट बनाकर इसके ऊपर बजरी डाल दी जाएगी, जिससे फ्रेंड्स ये जो सेफ है। वैसे ये पाइप जो है वो काफ़ी टफ होती हैं, ये हमारी PEX पाइप फिटिंग होती हैं, इनमें ट्रिपल एयर कोटिंग होती है और भी मतलब कई अच्छी तरह की ये पाइप्स आती हैं। इनमें फ्रेंड्स जो मेन जो एडवांटेज इनकी ये होती है कि इन्हें ज़्यादा मोड़ना नहीं पड़ता। मतलब मैं आपको समझाऊँ, अगर कि मान लीजिए यहाँ पर हमने बैंड प्रोवाइड किया है, तो अगर दूसरी पाइप्स होती, मान लीजिए GI की पाइप होती या फिर हमारी PPR की पाइप होती, तो यहाँ पे हमें एल्बो या टी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना जरूरी था। लेकिन अगर ये मोड़ जो है वो आसान है, तो यहाँ पर इसे जो है एल्बो या टी प्रोवाइड करने की लोड नहीं है। और उसका फ़ायदा फ्रेंड्स क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि जितने ज़्यादा जॉइंट्स कम होंगे उतनी ज़्यादा वो लीकेज की प्रॉब्लम है वो कम आएगी। तो इसलिए ये इसे इस तरह से इस पर किया गया है। अब मैं अगर आपको आगे बताऊँ, तो यहाँ पे इसके जो मुंह पे है वो टेप लगा दी गई है, और ये करना बहुत ही नेसेसरी होता है। अगर आप साइट पर हैं, आप साइट इंजीनियर हैं और आपके जो है साइट पर ऐसा वर्क हो रहा है, तो आप अपनी जो पाइप्स हैं उनको जरूर कवर करवाइए, ताकि फ्रेंड्स कल को इनमें कोई भी, ये जो आप देख रहे हैं रोड़ी बट्टे पड़े हुए हैं, ये इसके मुँह में ना फंसे। अगर ये फ्रेंड्स फंस गया तो सारी जो पाइपें हैं वो दोबारा से निकालनी पड़ती हैं। इनके ऊपर एक बार बजरी डाल दी गई तो दोबारा से बजरी निकालनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे फंसा हुआ है, और मतलब पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो आप इस चीज़ का बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखें। ये है तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है फ्रेंड, लेकिन अगर एक बार गलती हो जाए तो इसका जो खर्चाना है वो ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो फ्रेंड्स हम आपको आगे भी दिखाते हैं इसके बारे में, कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ से इकट्ठा होते हुए
ये सारी पाइप्स जो है वो हमारे एंड पे वहां पे जा रहे हैं। तो इस कमरे से भी ये वहां से आ रही है, वो देख सकते हैं आप, टी लगी हुई है, यहाँ पर भी ये टी लगी हुई है, और ये हमारी एल्बो लगी हुई है, और ये हमारी टाई होती है। इनसे फ्रेंड इन्हें टाई कर दिया जाता है ताकि ये कहीं पे हिले ना, और ये हिलेंगे नहीं, इनके ऊपर आसानी से हम बजरी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो सारी पाइपें हैं ये ऊपर जा रही हैं, ऊपर जो है टैंकी से इनमें जो है पानी की सप्लाई आएगी, और जो बाकी जो ड्रेन की पाइपें हैं वो जो है यहीं से नीचे जा रही हैं, और जो है ये जो है यहीं से नीचे जाएंगी, और यहीं से आप देख सकते हैं ये पीवीसी पाइप्स का भी हमने सिस्टम किया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये प्लम्बिंग की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नॉलेजेबल लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर रेड कलर का बटन है आप दबाइए वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे फ्रेंड्स जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।